नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल आयुर्विज्ञान समाधान में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको घुटनों के दर्द का एक वीडियो ऐसा दिखाने जा रहे हैं जिससे आपको घुटनों के दर्द, गठिया बाई, अर्थराइटिस से आपको छुटकारा मिल जाएगा। घुटनों का दर्द आज के समय में सबसे बड़ी जटिल समस्या बनती जा रही है। ये समस्या न केवल बुजुर्गों को बल्कि इससे अब जवान भी परेशान रहने लगे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है शरीर में पोषक तत्वों की कमी होना, जिससे हड्डियां कमजोर होती हैं और ये समस्या पनपने लगती है। पर आप क्या जानते हैं कि आपका ये दर्द चाहे पुराना हो या नया, इसके लिए आपको किसी भी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। घुटने का उपचार आप घर बैठे और आयुर्वेदिक पद्धतियों से कर सकते हैं। इसके लिए ना तो आपको किसी प्रकार की महंगी दवाइयों की आवश्यकता है और ना ही महंगे इलाज के लिए बाहर जाने की। बस इस तरह की स्थिति में आप घरेलू उपचार की शरण ले सकते हैं। कैस्टर ऑयल आज के समय में घुटनों के दर्द से छुटकारा पाने का सबसे अच्छा और प्रभावी उपचार माना जा रहा है। ये तेल घुटने की किसी भी पुरानी चोट और गठिया से लोगों के लिए एक खास उपचार के रूप में सामने है। इसके इस्तेमाल से आज के समय में कई लोगों को फायदा पहुंचा है, तभी तो लोग इसका इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। घुटनों के इलाज के लिए कैस्टर ऑयल किस तरह से प्रभावी है, जरा देख लेते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि अरंडी का तेल यानी कि कैस्टर ऑयल घुटनों के दर्द के लिए रामबाण इलाज है। इसका उपयोग करने के लिए आप नहाने से पहले अरंडी का तेल गर्म करके इससे अपने शरीर पर लगाते हुए धीरे धीरे मालिश करें। इसका उपयोग करने के लिए आप इसका एक पैक भी तैयार कर सकते हैं। यदि आप इस तेल के पैक को घर पर ही बनाना चाहती हैं, तो जाने कि कैसे तैयार करें ये प्राकृतिक पैक। घर पर अरंडी के तेल का पैक बनाना काफी आसान है। इस पैक के लिए आपको किन चीजों की आवश्यकता होगी, आइए आपको बताते हैं। 100% शुद्ध अरंडी का तेल, हीटिंग पैड या गर्म पानी की बोतल, प्लास्टिक की चादर या सिलोफोन चादर, कपड़े के 3 छोटे छोटे टुकड़े और एक पुराना तौलिया। अब कैस्टर ऑयल उपयोग करने का तरीका देख लीजिए। एक साफ कपड़े को गर्म पानी में डालकर भिगो दें। इस पर कैस्टर ऑयल की कुछ बूंदे डालें और इसमें तेल इतना न डालें कि कपड़े से टपकने लगे। अब इसे दर्द वाले स्थान पर घुटने पर रखें और सिलिफोन की मदद से उस स्थान को कपड़े से पूरी तरह से कवर करके बांध लें। यदि आपके पास सिलिफोन नहीं है तो आप पुराने तौलिए का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद जिस जगह पर ज्यादा दर्द हो रहा है उस जगह पर गर्म पानी की बोतल से 6-7 घंटे तक सिकाई करते रहें। घुटनों के दर्द में कैस्टर ऑयल से बना पैक काफी लंबे समय दर्द से राहत प्रदान करने का काम करता है। इसका उपयोग करते रहने से आप इस दर्द से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। अब कैस्टर ऑयल कैसे घुटनों के दर्द को कम करने में मदद कर सकता है, तो हम आपको बता देते हैं। दोस्तों, कैस्टर ऑयल का उपयोग करने से यह हमारे शरीर के अंदर प्राकृतिक रूप से लिम्फोसाइटों की संख्या बढ़ाने का काम करता है। लिम्फोसाइट कोशिकाओं के बीच में पाया जाने वाला टी सेल शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करता है। कैस्टर ऑयल की मालिश से 24 घंटे में ही टी कोशिकाओं की संख्या आसानी से बढ़ जाती है। टी कोशिकाओं जो शरीर के रोगों से लड़ने में सहायक होती है, यह एक प्रकार की श्वेत रुधिर कणिका है जो वायरस, बैक्टीरिया, कवर को मारकर कैंसर की कोशिकाओं को बढ़ने से रोकती है। टी कोशिकाओं शरीर में लगने वाली चोटों को भी दूर करने का काम करती है। इसके अलावा शरीर पुराने दर्द को भी ठीक करने का काम करते हैं। कैस्टर ऑयल गठिया के रोग को दूर करने का एक ऐसा लोशन है जो काफी कम समय में इस दर्द से राहत प्रदान करने में सक्षम है और इसका असर काफी लंबे समय तक बना रहता है। इस तेल को आप विभिन्न फार्मेसियों के साथ मेडिकल स्टोर से ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। कैप्सिसिन नामक का तरल पदार्थ अरंडी के तेल के साथ मिलाकर तैयार किया जाता है, जो घुटनों के दर्द के इलाज का सबसे प्रभावी उपचार माना जाता है। कैप्साइसिन में पाई जाने वाली गर्माहट से जोड़ों के दर्द में आराम मिलता है। इसका उपयोग हीटिंग प्रभाव के लिए किया जाता है। कैस्टिव लोशन 2 तरह के होते हैं जो हीटिंग देने के साथ साथ गर्माहट भी देते हैं। ठंडे कैस्टिव लोशन में मिथाइल सैलिसिलेट या मेंथॉल पाया जाता है जो ठंडक देने का काम करता है। ठंडा लोशन वार्मिंग लोशन की तुलना में ज्यादा महंगा होता है। तो दोस्तों, जाना आपने घुटनों के दर्द के लिए कैस्टर ऑयल का कमाल। इसी के साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।